नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान कॉन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत 2047 के विषय को लेकर नीति आयोग की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। ये बैठक सरकार के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए थी, लेकिन शायद विरोधियों को ये बात समझ नहीं आई और कांग्रेस पार्टी समेत 11 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि सभी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार का उद्देश्य अलग अलग था। कोई अपने राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त था तो किसी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इसलिए बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। केजरीवाल का कहना था कि सरकार जो नया अध्यादेश लाई है उसके विरोध में वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने भी वही पुराना राग अलापा कि केंद्र पक्षपात करती है इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन सभी मुख्यमंत्रियों को एक कांग्रेस सीएम ने इस बैठक में शामिल होकर धूल चटाने का काम किया। ये मुख्यमंत्री न सिर्फ इस बैठक में शामिल हुए बल्कि पूरे जोश के साथ अपने राज्य की समस्याओं को पीएम के सामने भी रखा और जिन क्षेत्रों में मदद की जरूरत थी उसको लेकर भी चर्चा की। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जहां इस बैठक में 11 मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बैठक का हिस्सा बनकर एक बात तो साफ कर दी, जनता का हित राजनीति से बड़ा होता है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के हिस्से का रुका पैसा केंद्र से देने की अपील की, साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की मांग की। 11 मुख्यमंत्रियों में 5 सीएम ऐसे थे जो विरोध के चलते बैठक का हिस्सा नहीं बने। सीएम विरोध के चलते नहीं हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम ने पत्र लिखकर इस बैठक बहिष्कार की बात को पीएम मोदी के सामने रखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार के अध्यादेश के चलते वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। भगवंत मान, पंजाब के सीएम ने आरोप लगाया कि राज्यों को फंड देने में केंद्र सरकार भेदभाव करती है, इसलिए वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगाया। के चंद्रशेखर राव, खबर है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ हैदराबाद में हुई बैठक के बाद से चंद्रशेखर ने केजरीवाल का साथ देने के लिए इस बैठक का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार, बिहार सीएम का कहना था कि इस संसद की क्या जरूरत थी, पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी। मैंने बार बार कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे, नीति आयोग की बैठक और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। तमाम विपक्षी दल जहां नए संसद के बहिष्कार और नीति आयोग की बैठक का विरोध कर रहे थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिखा दिया कि बहिष्कार से ज्यादा जनता की हित जरूरी है। अगर जनता ने आपको चुनकर उस पद पर बिठाया है तो आपको अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस जनता को नहीं भूलना होगा जिस जनता के लिए आप वहां पहुंचे हैं। और इस नीति आयोग की बैठक में उम्मीद है सभी को हिस्सा लेना जरूरी था, लेकिन विपक्ष ने विरोध के चलते इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।